नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंसर्न। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। होशंगाबाद बनखेड़ी मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी द्वारा मध्यप्रदेश के समस्त पटवारियों को भ्रष्टाचारी कहकर संबोधित करने वाली बात तूल पकड़ती नजर आ रही है। 3 दिन पूर्व दिए ज्ञापन की निश्चित अवधि समाप्त होने पर अपनी शर्त और मांगे पूरी न होते देख प्रांतीय कारणी पटवारी संघ के आह्वान पर बनखेड़ी तहसील के समस्त पटवारी ने अपने अपने अभिलेख बस्ते नायब तहसीलदार सुनील वर्मा को सौंप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी। पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र पाटकर ने बताया कि मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा एवं खेल मंत्री द्वारा समस्त पटवारियों को भ्रष्टाचारी कहने से मध्यप्रदेश के समस्त पटवारी संघ बेहद आहत हैं, जिस कारण दिनांक 3 अक्टूबर 2019 दिन गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। पटवारी संघ उपाध्यक्ष आधार सिंह सराठे, सचिव जगदीश सोनी, सह सचिव प्रशांत शर्मा, प्रवक्ता प्रकाश बिलासपुरिया, समस्त तहसील पटवारी उपस्थित रहे। देवों का शहर है देवास। आज एक व्यक्ति के लिए देवास पुलिस भगवान के समान साबित हुई। बड़ी माता मंदिर के पास अचानक से एक व्यक्ति बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, तो वहीं ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर शुभम सिंह परिहार और आर श्रीकांत ने तुरंत मिलकर जमीन से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जिससे समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बचाई जा सकी। मैहर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हिनौता कला में पिछले पुल टूटने की वजह से ग्रामीणों द्वारा नाव के सहारे दुर्गा प्रतिमा को नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, लेकिन नदी में पानी बहाव अधिक होने की वजह से नाव सहित दुर्गा प्रतिमा नदी में डूब गई। गनीमत यह रही कि नाव का केवट बच निकला और हादसा टल गया, जबकि बताया जा रहा है कि सहायक यंत्री जी के मिश्रा द्वारा 4 माह पहले ग्राम पंचायत द्वारा पुल मरम्मत की गई थी। फाइल साहब की टेबल तक पहुंचने के बाद उस पर अमल नहीं किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइल बिना वजह रखी गई हो? खैर कोई बात नहीं, लेकिन 3 अक्टूबर को देर रात्रि अचानक सहायक यंत्री जी के मिश्रा और उपयंत्री मीना अग्रवाल ग्राम पंचायत हिनौता कला टमस नदी पुल का निरीक्षण करने पहुंचे। अब देखना यह है कि पुल निरीक्षण महज दिखावा तो नहीं है। भारतीय मानवाधिकार समिति और जन सूचना अधिकार मंच द्वारा बोर्ड परीक्षा में विद्यालय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कैथेड्रल कॉलेज झांसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां इंटरमीडिएट में गुंजन परवानी, अदिति झा समानिया पठान, हाई स्कूल में नव्या नायर, ऋतुभ दिवाकर, वैभव श्रीवास्तव को विद्यालय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर प्रतिभा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात संस्था अध्यक्ष मुदित चिरवारिया द्वारा छात्र छात्राओं को जल संरक्षण और वृक्षारोपण आदि के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य फादर सहाय नाथन, उप प्रधानाचार्य फादर अशोक, मैनेजर फादर क्रस्टोदास, अध्यापक अध्यापिकाएं और संस्था से अनिल बख्शी, नंद किशोर, संतोष कुशवाहा, मनसाराम, दीपेश देवलिया आदि उपस्थित रहे। समिति एवं जन सूचना अधिकार मंच द्वारा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन व जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज कैथेड्रल कॉलेज झांसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहां पर वर्ष 2019 में बोर्ड परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने विद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हें प्रतिभा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं को पर्यावरण जल संरक्षण आदि के लिए जागरूक किया गया। एक तरफ सरकार हर घर में गैस कनेक्शन पहुंचा रही है, दूसरी तरफ शाहपुरा भिटोनी में गैस प्लांट होने के बावजूद भी शाहपुरा नगर और आसपास के गांव के लोगों को रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है। लोगों को आसानी से नहीं मिल रही है रसोई गैस। विगत 15 दिनों से आए दिन गैस की समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शाहपुरा की मां शारदा गैस एजेंसी में कई हजारों की संख्या में घरेलू गैस कनेक्शन है। इस एजेंसी में रोजाना सुबह 9 बजे से सैकड़ों की संख्या में लोग आ जाते हैं, आके गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगाना शुरू कर देते हैं और 2-2, 3-3 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद बड़ी मुश्किल से गैस मिल पाती है। लोग गैस लेने के लिए विगत 15 दिनों से लोग लगातार भटकते रहते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जल पाता है और लोगों को भोजन नसीब हो पाता है। जब मां शारदा गैस एजेंसी के गैस वितरण प्रबंधक से मीडिया ने बात की तो गैस वितरण प्रबंधक ने कहा कि जितना गैस का लोड मिलना चाहिए उतना प्लांट से गैस का लोड नहीं मिल पा रहा है, इस कारण गैस वितरण में समस्या निर्मित हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है साहब, देखो वहाँ तक लाइन लगी है। कब से खड़े हैं आप? हम 2 घंटे से खड़े। 2 घंटे हो गए सर। क्या बोला गैस के लिए? अब दे रहे हैं वो लाइन लगाई लगी है, मिल रही है, बोले अभी किल्लत बन रही है सर। वो भी हाँ जी, कब से दिक्कत चल रही है? 10-15 दिन से दिक्कत है। एक महीने से ऊपर ही चल रही है। विनोद शर्मा, कौन से?
सर टंकी मिलने में बहुत दिक्कत जा रही है, कभी आते हैं तो कहो खड़े भी रह रहे हैं तो शाम तक मिलती है, और कई बार शाम शाम को भी लौट जाना पड़ता है टंकी लेके। ये 15 दिन से ज़्यादा हो गए अभी दिक्कत होती है वाली। अभी तो बोल रहे हैं कि प्लांट ही से माल नहीं आ रहा है, और भीड़ मच रही है इतनी ज़्यादा, दिक्कत है बने हुए खाना पीना सब ही किनान दिक्कत कैसे ले जाए। गैस टंकी ले आए पर्ची गैस कितनी देर से खड़े? अरे बात अब 1 घंटा है जा रहा है, और रोजे की दिक्कत कहा है। गुड्डू कौन से गांव से आए? जी सैसपुर पर्ची गैस। टंकी की किल्लत है, मैंने अभी संबंधित अधिकारी से चर्चा किया है, आज ही 2 गाड़ियां रवाना हुई है, शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और गैस टंकी उपलब्ध करा दी जाएगी। अच्छा सर 15 दिन से समस्या आ रही है, कुछ कारण समझ में आया इसका? बात हुई है वरिष्ठों को अवगत कराया है मैंने, उस समस्या का समाधान हो जाएगा, किसी कारणवश गाड़ियां नहीं आ पाई थी, अब आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। अशोक कुमार डेहरिया, तहसीलदार सहपुरा जबलपुर। दिक्कत आ रही है करीबन 15 दिन से, क्या परेशानी, क्यों आ रही है दिक्कत? ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर कुछ प्लांट में खराबी आ गई थी, उस वजह से अपने भिटोनी LPG को माल नहीं मिला, उस रेगुलर 2-3 दिन रैक ना आने के चक्कर में शॉर्टेज ही बनती गई। हमारी माँ शारदा गैस में लगभग 23,000 कनेक्शन है, जिसका कोटा लगभग एक ट्रक में 306 टंकी आती है, तो हमें 36 से 38 लोड मिलना चाहिए। कितने लोड मिल रहे हैं? जबकि उसमें कटौती हो रही, 6 दिन रेगुलर माल नहीं मिला, बीच बीच में 1 दिन 2 दिन, तो वो 350-400 के हिसाब से जो हमारी टंकी बटना है थी, वो लोड हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा, निरंतर जनता परेशान है, त्यौहार सामने है, तो हमने उनको बताए, उनको अवगत करा चुके हैं, वो अपनी समस्या बता देते कि हमारे पास जैसे ही माल उपलब्ध होगा हम देंगे। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आगे की, यहाँ पे हमने एक दिन SDM साहब भी आए थे, उनको भी अवगत कराया गया, अब यहाँ पे आगे की कार्रवाई आप लोग देख सकते हैं। नाम बताएं? मैं अरविंद सिंह गौर, माँ शारदा गैस एजेंसी में प्रबंधक के पद पे हूँ। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।